Bhushan sir, this is Ravi. Riteish sir, hello. Your center, Riteish sir. Ravi sir, I'll come to you. Ek second. Ji, bolo. Riteish sir, जैसे कि आप भी जानते हैं कि अगर कुछ सिमिलर चीजें होती, चाहे रोल हो, कैरेक्टर हो या सीन हो, तो लोग कंपैरिजन करने लगते हैं. तो कुछ लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी जीरो, शाहरुख खान सर की फिल्म आई थी, तो वो फिल्म उतनी पसंद लोगों ने किया था, फिर भी उतनी चली नहीं थी. तो क्या कॉम्पिटिशन लगता है आपको, क्योंकि आप भी एक डॉफ का किरदार कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले अनफॉर्चुनेट मैंने फिल्म देखी नहीं है, पर मैं जब शाहरुख साहब के सेट पर गया था तो मैंने अराउंड 45 मिनट्स उन्होंने मुझे बैठ कर दिखाया था कि वो किस तरह शूट करे, किस तरह उस कैरेक्टर को प्ले करे. तो लाइव मैंने उनको वो परफॉर्म करते हुए देखा था एंड ही वॉज मैग्निफिसेंट. आई थॉट व्हाट दे हैड डन वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी. और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो उनके जैसा, उनकी तरह नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने वो कोशिश ही करना छोड़ दिया. और मेरे लिमिटेशन में मुझे जितना आता है, जितना मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा, उतना मैंने किया. अभी आप देखिए, आपको पसंद आया तो ग्रेट. रकुल, हमेशा की तरह आज भी आप बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हो आप. तो ये मर जावा फिल्म आपने क्या सोच के हाँ बोला, मतलब कुछ ऐसा लगा आपको, क्योंकि छोटा सा किरदार है? सोचती तो हाँ नहीं बोलती. बस मिलाप ने थोड़े से डायलॉग सुना दिए और बस मैं उसमें मैंने हाँ कर दी. बट जैसा कि मैंने आपको कहा, बात लेंथ की नहीं होती, जैसे आपने कहा कि छोटा है, बात धमाके की होती है. कभी कभी छोटा भी धमाका दे जाता है. सो आई थिंक काफ़ी पावरफुल रोल है. एंड जैसा कि इन्होंने ही कहा, मुकद्दर का सिकंदर, अब उसमें अभी तक आप रेखा जी के रोल की बात कर रहे हैं, चंद्रमुखी, देवदास की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे ये रोल बहुत एक्साइट किया. अगेन जैसे मैं कह रही हूँ, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, बिकॉज ऑफ द वे आरजू का कैरेक्टर लिखा गया है, उसकी अदाएँ, उसकी शायरी, काफ़ी शायरी में बात करती है वो. जब आप आगे देखेंगे मूवी तो आपको पता चलेगा. सो फॉर मी इट वॉज जस्ट गेटिंग अ चांस टू प्ले समथिंग विच आई डोंट थिंक आई कुड हैव गॉटन अ चांस टू प्ले. भूषण सर, हाय, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज. भूषण सर, टी सीरीज इस वक्त जितनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है, बॉलीवुड में जो दो तीन स्टूडियोज हैं उससे भी कहीं बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े सितारों के साथ काम कर रहे हैं आप. हाल ही में खबर आई थी कि वांगा रेड्डी, जो कबीर सिंह जिन्होंने बनाई थी, मॉन्स्टर हिट फिल्म थी बहुत बड़ी, रणबीर सिंह अब काम करने जा रहे हैं वांगा रेड्डी के साथ. क्या कुछ इसके बारे में कन्फर्मेशन दे सकते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं? अभी वी आर डूइंग द फिल्म, लेकिन अभी कोई एक्टर फाइनल नहीं है, ही इज स्टिल राइटिंग द स्क्रिप्ट. तो जब रेडी हो जाएगी तो वी विल ऑफिशियली अनाउंस इट. अप्रोच किया गया सर उन्हें? नहीं, अभी किसी को अप्रोच नहीं किया. ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन वी टेकिंग. जी कोमल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. रितेश, माई क्वेश्चन इज फॉर यू. यू नो, वाइल यू टोटली लुक इन टू योर कैरेक्टर इन द ट्रेलर दैट वी वॉच्ड, वाई इट, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द डायरेक्टर एंड निखिल यू ऑल्सो. When we write characters keeping maybe a dwarf in mind, why do we not have a dwarf actor do this? Because we always lack some kind of representation when it comes to a dwarf actor or a fat actor or you know, an old actor. When these characters are like this, you know, why don't we get actors accordingly? Ma'am, I respect your viewpoint. But as an actor, when someone has approached me with a offer and a role, I think my job is only to see whether I will be able to pull it off, and if the director and the producer have the confidence whether I'll be able to pull it off and do justice to what's been offered to me. As an actor, I am ready to play anything, you know, be it a vertically challenged person, old person, young person. I have played a woman also in. सो हाँ सर, वो भी है. और बहुत सारे पिक्चरों में मेरी हालत कुत्ते जैसी भी हुई है. तो आई हैव प्लेड एवरी थिंग. और सो आई एम एज एन एक्टर आई एम ओपन, बट एज राइटर एंड प्रोड्यूसर आई एम श्योर मिलाप विल आंसर दैट. वेल, आई फील योर क्वेश्चन इज वैलिड. इफ यू नो मिस्टर अनुपम खेर, हु इज सच अ ग्रेट एक्टर, हैड नॉट प्लेड एन कैरेक्टर ओल्डर देन हिज इयर्स इन सारांश सो मेनी इयर्स बैक, you never had maybe have had Anupam Kherji. Similarly, there are so many great actors who play different roles. Ayushman in Dreamgirl a few weeks back played, you know, a person who's, they all think he's a girl. So I just think that eventually, while I feel yes, everyone deserves a right and should get an opportunity, you know, to act and to perform, it's also equally fair that actors get chances to experiment. You know, for Riteish to be able to play a dwarf, for someone else to be able to play someone older,
you know, it's or someone to be like, even Saan Ki Aankh trailer came out a few days back. I loved the trailer. I think it's superb the way Tapsee and Bhoomi have done their parts. And I think it's great that actors are taking challenges and coming out of their comfort zone. And, you know, writers are writing, directors are agreeing, producers are agreeing to, you know, do such things. So I just guess it's a matter of who you think fits the role. I knew I needed someone like him because of the wickedness and the humor and the, you know, the performance. That's why I approached him for it. Yeah. और यहाँ पे मेरा बर्थडे भी आता है 8 नवंबर को, तो मैं तो देखने वाला हूँ फिल्म. लेकिन आप लोग से सवाल कल नहीं बाबा, 8 को, 8 नवंबर को. तो मेरा ये सवाल है मिलाप सर से, इस तरह का जो सिनेमा है, जो मसाला सिनेमा है, जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पसंद आएगा, कितना डिफिकल्ट होता है बनाने में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपको इतना अच्छा लगा वो सीन कि मुझे दोबारा पूछा सवाल. तारीफ 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 की आदत नहीं है, बिकॉज सब सबसे सबकी शिकायत होती है कि मेरा जो सिनेमा है वो बहुत ज़्यादा मासी है और मसाला है और यू नो फिल्मी है. तो आई एम वेरी हैप्पी आपको बहुत अच्छा, वो बहुत ही यस सर एवरीथिंग लुकिंग दैट साइड नॉट दिस साइड. बट आपने जो बात कही है, ऑनेस्टली ये बात मुझे निखिल ने भी कुछ दिन पहले कही कि ये जो एक सेक्शन जो तूने आईना तोड़ के जो 10 रितेश के सर नजर आते एज अ सिंबोलिज्म ऑफ रावण, तो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट्स वन ऑफ द ओनली एस्थेटिक शॉट्स यू टेकन इन दिस होल फिल्म. एंड देन आई सेड वन मोर थिंग, व्हाट क्लोज अप क्यों नहीं लिया? और उस सीन की खास बात थी कि मैं शॉट देने जा रहा था, मैं वहां रुका था और मैं कैमरा के सामने आया, कैमरा रोल हुआ और मिलाप ने कहा कट, दौड़ के आया मेरे पास, एक लाइन आई है, लाइन बोल दो, लाइन बोल दो. मतलब कौन सी? मतलब लाइन बोल दे आप बोलो. तो बोलता कि एक रावण 10 सर, एक विष्णु 10 का सर. हेलो हेलो, हाय, मेरा नाम आरती सक्सेना है. यहाँ पे आरती जी, मेरा रितेश जी से मेरा सवाल है जी मैम, कि मतलब ये करेक्टर, ये हम लोग जब आए ना तो हम लोग लगा मर जावा, मतलब होगी एक पिक्चर. लेकिन जब हम लोगों ने देखा सही है पिक्चर ये, सही बोला आपने, एक पिक्चर ये. हम लोग जैसे हमेशा एक ट्रेलर लॉन्च में आते हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्मली आते हैं, लेकिन देखने के बाद हम लोग झटके में आ गए. थैंक यू. जो इन्होंने लास्ट में गोली चलाई, आपके जो शॉट थे, तो मुझे ये पूछना था कि मतलब आपका जो विलन वाला रोल है, इसके लिए आप गाना गा रहे थे कि ये घड़ी आ गई, इतना अच्छा रोल मुझे मिल गया इतने टाइम के बाद, मतलब लाइक इसमें बहुत अच्छा आपका रोल है. नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो मिलाप का और मेरा एसोसिएशन काफी सालों से है. मेरे करियर में जब भी कोई बदलाव हुआ है तो मिलाप की लिखावट से हुआ है. पहले चाहे वो मेरी पहली कमर्शियल हिट फिल्म मस्ती थी जो मिलाप ने लिखी थी. जिंदगी में हमेशा ये सोचता था कि यू नो कभी तो विलन बनूं, एक रोल होता है हर एक्टर की ख्वाहिश होती है, वो एक विलन में मिलाप ने लिखा था. और उसके बाद अभी वर्टिकली चैलेंज बनने का भी मौका यू नो बहुत कम लोगों के नसीब में आता है, मुझे मिला है. सो आई वांट टू थैंक मिलाप फॉर दैट. और लगे हाथों मैं ये भी कहना चाहूँगा, इट वाज ग्रेट एसोसिएटिंग विथ एम ए, मोनिशा, मधु एंड निखिल. दे हैव बीन ग्रेट 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 प्रोड्यूसर्स. इतने साल काम करने के बाद देन यू वर्क विथ अ न्यू टीम, यू फील re-energized, so that's there. And it's my first association as producer with Bhushanji, and he has been a fantastic producer, and I wish him and all his endeavors all the best and much success. Hello, hi. मुझे बोलना था कि आपका जो रोल है ना, एक यादगार रोल हो सकता है इन फ्यूचर. लाइक आपको कोई विलन ध्यान में है जिसको देख के आपको लगा कि ऐसा मैं भी बन जाऊंगा? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरी वैसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं उनकी तरह बनूं, क्योंकि जो भी मुझे विलन्स अच्छे लगे, दे हैव बीन फैंटास्टिक, दे हैव बीन ग्रेट. और आई एम नॉट दैट कैलिबर ऑफ एन एक्टर टू रीच देयर, बट विद इन माई स्पेस इफ आई कैन क्रिएट समथिंग दैट पीपल से अरे इसने अच्छा काम किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है. Hello, hi. This is Siddhi from Deccan Chronicle. Firstly, the trailer looks really amazing. My question is for you, Siddharth and Ritesh. After watching the trailer, I could really feel that I am reminded of the characters Ram and Ravan. So, is Mar Jaawa a contemporary take on Indian mythology? सवाल हमसे पूछा लेकिन जवाब सिर्फ मिला भी दे सकते हैं. हाँ, बिल्कुल. ये रघु और विष्णु के बीच. ये
is because aap log character ko play kar rahe the. So is it actually a take on Indian mythology? Like even after seeing the post. Well, if you talk about two different extremes, definitely there is a take on one being skewed to slightly positive, one being skewed to a slightly more negative character. But ye sab aap reference ki baat kar rahe hain, I think kyunki Ravan hai yahan pe. और वो उन्होंने जो लिखा है जो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पिक्चर में रावण को लेकर एक एक जो कल्चर है एक प्रथा है जो होती है इन उनकी भारी भरकम डायलॉग्स भी हैं उसके ऊपर तो आई थिंक मोर देन अस सेइंग एनीथिंग एल्स अबाउट द फिल्म आई थिंक इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ और बाकी ये बताएंगे कि आपने आप रामायण से इंस्पायर हुए वेल मेरा मानना है जिंदगी हर किसी की जिंदगी में कोई राम है कोई रावण है You know, there is good and evil in everyone. In this film, that is a subtext of good versus evil. Raghu, his name in the film, actually is one of the names of Lord Ram. So it has happened organically. It's not a mythological tale. The film is not that. The film is not a mythological tale. It is a masala entertainer. But yes, there is this subtext of good or evil. Dasera plays an important part in the film. Ravan plays an important part in the film. So, no, I just want to agree to what Milap and Siddharth just said. Just the fact that it's about a man fighting for his love and going all out, and that's what even Lord Ram did, and that's what Raghu is doing, and. सर मैंने बच्चन साहब की सारी फिल्में देखी है और कई बार देखी है आज भी देखता हूँ बार बार देखता हूँ और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यस जब मैंने पहली बार बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं हमारे जो इकट्ठा नहीं है जो अलग सिद्धार्थ के साथ शूट अलग मेरे साथ शूट हुए हैं बहुत सारे सीन्स जो हमने एक साथ किए हैं पर जब मैंने उनके पोर्शन देखे तो जो उनका बॉडी लैंग्वेज था जो डायलॉग डिलीवरी थी I just felt that, जो 80s या 70s में अमित जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे काफ़ी मिलती जुलती इनकी है इनका डीप बैरिटोन है वो एटीट्यूड है तो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं ऑफ कोर्स दैट दैट इज़ देयर एज एन ऑडियंस हेलो सो स्वीट थैंक यू हाँ जी सर आपका सवाल क्या था ओह अच्छा नहीं नहीं वो आई थिंक आई थिंक जब एक एक डायरेक्टर की तरफ से वो सोच आती है कि वो ऐसे किरदार को देख के इंस्पायर हुए हैं मैं भी वही बात कर रहा था कि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ चाहे वो बाकी एक्शन हीरोज़ हो 90s के जहाँ पे मैं पला बड़ा था तो हम सब के जहन में वो होते हैं कैरेक्टर जब हम चाहे परफॉर्म कर रहे हों या लिख रहे हों या डायरेक्ट कर रहे हों तो आई फील एक अच्छी बात है बट हमारा ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है कि किसी और कैरेक्टर को एम्युलेट करें But definitely wo zone, like we have grown up on heroes like him and aaj bhi wo ek reference hai, chahe heroes ka action ho, unka ek attitude ho, ek style ho. So I think wo reference agar aapko usme dikh raha hai, hum bahut hi excited hai, but hopefully people feel the same on 8th November. Hello Bhushan sir, Bhushan sir. डेडिकेट खैर मुझे मैं आई डोंट थिंक उस मुकाम पे हूँ या कि मैं डेडिकेट कर सकूँ या कुछ भी बट अगर किसी को भी लगे कि वो थोड़ा 1% भी आसपास है सो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी बट जैसे कि मैंने कहा जब मिलाप ने मुझे बताया तो आई थॉट कि ऐसा किरदार मुझे दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज ऐसा लिखा नहीं जा रहा है आजकल यू नो वेर यू कैन प्ले दैट 90s ग्रेस और ये सब और मैंने फिर जाकर वापस मूवी देखी जस्ट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दो तीन फिल्मों की रेफरेंस दी थी मिलाप ने मुझे बट या आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई गॉट टू प्ले इट हेलो राहुल टू लास्ट क्वेश्चन राइट लाइक हां योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा मेरा सवाल चारों स्टार कास्ट से पहले सिद्धार्थ से शुरू करते हैं ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये आपकी सारी फिल्मों सबसे टॉप पे ये बेस्ट फिल्म बन जाएगी आपकी तो बात करते हैं जब मरजवा फीलिंग तभी आती है जब कोई सिचुएशन होता है ऐसा कुछ नौबत ऐसी आती है एक तो सलमान सर ने किक में बताया था मैनू यार ना मिले तो मरजवा
तो आपकी नजर में आपके कब कब ऐसे सिचुएशन आए थे मरजावा वाली? आहा, कि मैं मेरा अभी हुआ, फैंस को देखता हूँ हमेशा, मेरे को लगता है हाय मैं मर जावा। इन सब का प्यार ऐसा है, जिस तरफ से ये लोग आते हैं हमेशा प्यार दिखाते हैं। आप कोई भी एक्टर जब मिलता है अपने फैंस से, मैं इनसे पहले भी मिला नीचे, तो यू ऑलवेज फील ब्लेस्ड। एंड जैसे हमारे नॉर्थ में बलाएं लेते हैं इसे, हाय मैं मर जावा, और यहाँ पे मिलाप सर ने उसको ट्विस्ट दिया है एक, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बट वी आर होपिंग कि इस पिक्चर के बाद मर जावा के अलग अलग भी मीनिंग्स आएंगे जो चाहते हैं हमारे मिलाप सर। क्योंकि कुछ कमीने दोस्त भी होते, अगर सीरियसली आपको बोल दे ठीक है मर जा तो ओ ठीक है मर जा, ये क्या, अगर कुछ कमीने दोस्त भी होते, अगर आपने बोला हाय मर जावा, हाँ, तो सामने से अगर रिप्लाई करे कमीने दोस्त हाँ ठीक है मर जा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ये कहेंगे घर जावा। मैं मारूंगा मर जाएगा। रितेश सर,